Assalamu alaikum, dear students. I do hope that you people are fine and enjoying good health. Today's our topic of discussion is paper discussion. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पेपर्स जो हैं वो सेंड किए अभी पिछले दिनों जो टेस्ट हुआ था माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर भी बहुत सारे बच्चों ने सेंड किए हैं सेपरेटली भी और मुझे व्हाट्सएप भी किए. तो मैं सोचा कि इन सबको मैं मजमूई तौर पर इकट्ठे आपके लिए डिस्कस करता हूँ ताकि आप एक दूसरे से भी सीखें. और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डाइवर्जेंट किस्म की मिस्टेक्स की हैं. एक स्टूडेंट की मिस्टेक से दूसरे को सीखने की ज़रूरत है, दूसरे की मिस्टेक से पहले वाले को और बाकियों को सीखने की ज़रूरत है. तो सो दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड कि इसको हम इकट्ठा ही कर लेते हैं. तो आइए शुरू करते हैं जी. पेपर चूँकि बच्चों ने ज़रा बेतरतीब से भेजे थे तो इसलिए थोड़ा सा आपके सामने इस तरह ही है. मैं इनको आपके लिए जूम करता रहूँगा. तो सबसे पहले ये लेटर का एंड है किसी स्टूडेंट का. तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है बच्चे ने यूअर्स सिंसियरली जो लिखा हुआ है. तो सिंसियरली का जो एस है ये इसने कैपिटलाइज किया हुआ है. ये जब आप इसको हम सैल्यूटेशन पार्ट कहते हैं तो सैल्यूटेशन पार्ट में आप यूअर्स ओबीडियंटली लिख रहे हो, एप्लीकेशन के एंड में यूअर्स ट्रूली लिख रहे हो, यूअर लविंग फ्रेंड लिख रहे हो, यूअर सिंसियर फ्रेंड लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो. तो दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, बल्कि ज़्यादा ही है कि ये जो सिंसियरली है, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो सिंसियरली है इसके एस को आप स्मॉल करेंगे. दूसरा इस सिंसियरली के एंड पर आपने यहाँ कॉमा देना है जो कि बच्चे ने नहीं दिया हुआ. और कुछ बच्चे ना यहाँ यूअर्स में अपोस्ट्रॉफी देने की कोशिश करते हैं, वो आपने नहीं देनी. इस बच्चे ने ये ठीक लिखा हुआ है. तो नेक्स्ट हम यहाँ से आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स. तो आपको ये नज़र आ रहा है, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन नज़र आ रही है. तो एक्सप्लेनेशन में भी इस बच्चे ने गलतियाँ की हैं. तो अगर आपको मैं दिखाऊं तो दीज लाइंस, दीज आर दी ब्यूटीफुल लाइन टेकन. एक तो लाइंस लिखना है और आर नहीं, दीज ब्यूटीफुल लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम दी पोइम आना है. और ये जो नाइट मेल पोइम का नेम है ये इन्वर्टेड कॉमास में आएगा. और आगे रिटन बाय जो राइटर का नेम है वो भी इस बच्चे ने नहीं लिखा, जो कि ज़ाहिर है गलत है. तो इन चीज़ों का स्टूडेंट ज़रा ख्याल रखें. नेक्स्ट पेपर पर आते हैं. मुझे ये भी आपके लिए जूम इन करने दूँ. तो कॉन्टेक्स्ट है, दिस पोइम इज अबाउट द जर्नी ऑफ नाइट मेल. नाइट मेल कवर्स अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम इंग्लैंड टू स्कॉटलैंड. तो ये बच्चे ने जो है वो कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है. नीचे एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं. एक्सप्लेनेशन में इशू कर गया बच्चा, द पोइट हैज़ डिस्क्राइब्ड द जर्नी ऑफ नाइट मेल. गौर करें, द पोइट हैज़, आपको जब एक्सप्लेनेशन लिखनी है ना तो कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का एक फ़र्क जान लें. कॉन्टेक्स्ट में आप लिख रहे होते हैं कि दिस पोएम इज़ अबाउट या इन दिस पोएम द पोइट सेज. लेकिन जब आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो आप ये नहीं करते, एक्सप्लेनेशन में आप ये लिखते हैं कि इन दीज लाइन्स या इन दिस स्टैंजा. क्योंकि एक्सप्लेनेशन गिवन लाइन्स पर होती है, वो पूरी पोएम पर नहीं होती. तो द पोइट हैज़ डिस्क्राइब द जर्नी, ये स्टार्ट गलत है. इन दिस लाइन से स्टार्ट करें, द पोइट सेज या इन दिस स्टैंजा या इन दिस ब्यूटिफुल स्टैंजा द पोइट सेज. तो ये एक जो है वो मिस्टेक बच्चे ने की हुई है. नेक्स्ट आते हैं जी. ये एक बच्चे का कोई एक्सप्लेनेशन का इसी का बल्कि अगला पार्ट है. तो आपको नज़र आ रहा होगा कि व्हेन द नाइट मेल पासिस, आपको नज़र आ रहा है नाइट मेल पासिस. तो नाइट मेल का एंड और मेल का एम कैपिटल रहेगा. ये क्यों कैपिटल आएगा? क्योंकि ये नाम है उस ट्रेन का. ये नाइट मेल एक ट्रेन थी जो इंग्लैंड से स्कॉटलैंड तक ट्रेवल करती थी, मुख्तलिफ सिटीज से गुजरती थी और मेल एक डाक लेकर जाती थी. तो चूंकि उसका नेम है, जैसे आप अपना प्रॉपर नेम लिखेंगे तो उसके दो वर्ड्स पर हो या थ्री वर्ड्स पर हो तो हर एक का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल रखेंगे. तो नाइट मेल भी उस ट्रेन का नेम था, तो आपको नाइट कैन और मेल कैन कैपिटल रखना है. देन आ जाते हैं डू गुड टू, ये कोटेशन है बच्चे ने, अपने कोटेशन देनी चाहिए. अच्छा किया इस बच्चे ने, डू गुड टू अदर्स. ये डूइंग गुड टू अदर्स आना है. इज अ गुड डीड ऑन दिस प्लैनेट, ठीक है, इज द बेस्ट डीड डन ऑन दिस प्लैनेट, वैसे असल कोटेशन है. एट द एंड पोइम के आपको जब एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो क्रिटिकल एनालिसिस लिखना चाहिए, जैसे इस बच्चे ने लिखा है. और क्रिटिकल एनालिसिस एग्जामिनर को इम्प्रेस करता है, ऑल्दो ये एज सच नेसेसरी या मैंडेटरी नहीं है आपके लिए लिखना. नेक्स्ट आते हैं जी. स्टोरी ही है आई थिंक लिखी हुई इस बच्चे की, नहीं आई थिंक कोटेशन ही है उसके अंदर. एक्सप्लेनेशन के अंदर आई थिंक ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, आप कोटेशन लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर. फेवर्स ये वर्ड है, डन अन टू अदर्स विल रिटर्न टू यू एज यूअर्स. तो अच्छी कोटेशंस उसने लिखी हुई हैं, दोनों आपको ये ऐड करनी चाहिए. नेक्स्ट आते हैं जी. ये लेटर का स्टार्ट नज़र आ रहा है. तो लेटर में अगर मैं आता हूँ तो यहाँ इस बच्चे ने मिस्टेक जो की हुई है, उसने 5th मई 2020 लिखा है. याद रखिएगा एग्जामिनेशन हॉल सिटी एबीसी, ठीक है, आप अकेला एबीसी भी लिख सकते हैं.
फिफ्थ में नहीं लिखना, आपको पैटर्न जो रखना है उसमें मंथ पहले, फिर डेट और फिर ईयर लिखना है। तो ये फिर इस बच्चे की अगर मैं कहूँ तो मिस्टेक हुई, तो पीछे मुझे वहीं उस पर ही जाना पड़ेगा। तो ये इस बच्चे की अगर मैं कहूँ तो मिस्टेक है कि इसने ये जो फिफ्थ में लिखा हुआ है, और दूसरा इसने कोटेशन लिखते हुए जो है इस बच्चे ने ये काम किया है कि कोटेशन लिखते हुए जो है वो उसको कैपिटल आई जो है उसको इन्वर्टेड कॉमास नहीं दिए जो कि देने चाहिए। पीपल हु कैनॉट फाइंड टाइम फॉर रिक्रिएशन आर ऑब्लाइज्ड रिलेटेड टू फाइंड टाइम फॉर इलनेस, यहाँ फुल स्टॉप भी आएगा और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज भी होंगे। नेक्स्ट आते हैं, ये किसी और बच्चे के एक्सप्लेनेशन का स्टार्ट है जो निस्बतन ज़्यादा बेहतर लग रहा है, इसको भी जूम इन करते हैं जी। तो दीज ब्यूटिफुल लाइन्स टेकन, गौर करें यहाँ हैव बिन टेकन आना है, नाइट मेल, WH ऑर्डन, बिल्कुल ठीक है। उस बच्चे ने मिस्टेक्स भी अपनी निकाली हुई है स्पेलिंग ग्रामर की कहीं ना कहीं से, तो देट वॉज रियली गुड। और देन ये एक और बच्चे का है, इसने यहाँ ये एक्सप्लेनेशन का काम किया हुआ है जी, ट्रांसलेशन का काम है, तो ट्रांसलेशन देखते हैं, मैं इसे बिल्कुल अंदर नहीं लेकर जाऊँगी, उसने सोचा, वो अंदर चली गई और इसने खाना पकाना शुरू कर दिया। बाद में अंदरूनी हॉल्स में गई और दरवाज़ा खोला, बल्कि ये था अंदरूनी हॉल से गुजरते हुए, या हॉल से बरामदे से गुजरते हुए पार्सल उठाया और इसे बर्ची खाने में ले गई और मेज़ पर रख दिया। ट्रांसलेशन ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन इसको ज़रा खूबसूरत करके लिखना चाहिए, और बहुत अच्छा है कि अगर ट्रांसलेशन लिखने के बाद लेसन और ऑथर का नेम भी नीचे लिख दें। इस बच्चे ने वही गलती की है, दिस स्टैंजा इज टेकन, इज टेकन नहीं जी, हैज़ बीन टेकन, अगर लाइन्स है तो हैव बीन टेकन आना चाहिए था। चलें जी नेक्स्ट मूव करते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देता जा रहा हूँ सारे पेपर्स का ताकि सारे बच्चे इसको एक बार देख सकें। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, नॉर्मा टोल्ड हर हस्बैंड इट इज़ नॉट इमोरल टू किल सम अननोन पर्सन, इट मस्ट बी, फिर ये स्पेलिंग गलत लिखे हुए जी, फिजियोलॉजिकल लिखने कोशिश की है, साइकोलॉजिकल आना था, PSY स्पेलिंग्स बनते होते हैं, PSY CHO साइकोलो LOGICAL, ये इस बच्चे ने ट्रांसलेशन लिखी है और वाजी अच्छे लिखी है, खूबसूरत लिखी है। और अगर इसके 5 मार्क्स हैं तो इसमें से 4 out of 5 बच्चे को दिए जा सकते हैं, 10 है तो 9/10 दिए जा सकते हैं। याद रखिएगा फुल मार्क्स देने का ट्रेंड FSC में नहीं होता, लेटर स्टोरी एप्लीकेशन में भी इवन नहीं है, हाँ एक्सप्लेनेशन में आपको पूरे 5 out of 5 मिल सकते हैं। आते हैं जी इस बच्चे के, यहाँ भी इसने जो इशू किया है कि कोटेशन जो लिखे उसको इन्वर्टेड कॉमास नहीं दिए, बाकी ठीक था। कोशिश किया करें स्टूडेंट्स ये गौर करें कि इसने ये जो मार्जिन इधर आप लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है, दोनों साइड पर भी लगा लें कोई हर्ज नहीं है, इधर सिंगल लगा लें, इधर डबल लगा लें, चलो नहीं भी लगाया तो कोशिश करें ये सेम लाइन पर ख़त्म हो रहा। मैं आपको समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, गौर करें ये कुछ लाइंस यहाँ ख़त्म हो रही हैं, कुछ यहाँ ख़त्म हो रही है, कुछ यहाँ ख़त्म हो रही हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये एक ही सिमिट्री आनी चाहिए। तो अगर आप मार्जिन लगा लेंगे तो वो सिमिट्री ज़्यादा बेहतर तरीके पर आ सकती है। और गौर करें तो उसने कोटेशंस दोनों जगह पर नहीं दी हुई, सॉरी इन्वर्टेड कॉमास नहीं दिए हुए जो कि उसको देने चाहिए थी। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा डल सा इमेज भेजें बच्चों, कोशिश किया करें जब इमेज भेजें तो ज़रा वाजे भेजें, तो मैं इसे हरगिज़ अंदर लेकर नहीं जाऊँगी, तो उसने ठीक किया, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास नहीं थे। आप अगर उसकी इंग्लिश भी देखें तो वहाँ भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं थे। याद रखिएगा इन्वर्टेड कॉमास आते हैं डायरेक्ट स्पीच पर, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, वो वर्ड्स जो किसी ने अपने मुंह से बोले हों। और अगर यहाँ देखें तो आपने देखा उसने सोचा, इसका मतलब मुंह से बोला नहीं है, ये स्पीच है ही नहीं, तो आप यहाँ इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाएंगे। तो ये इसने गलती की हुई है, 4 तो नहीं, 4 out of 5 तो नहीं, मैं इसको बल्कि 3 out of 5 दूंगा अगर यहीं से इसकी गलती पकड़ लूँ। और ये देखेंगे मिसिज लुइस क्वेश्चन मार्क है, येस क्वेश्चन मार्क है, दिस इज़ लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल। तो गौर करें ये दोनों क्वेश्चन मार्क इसलिए हैं कि दोनों बोले वाले अंदाज में गए। याद रखिएगा पंक्चुएशन पर भी आपको लेक्चर सुन मिलेगा एक, कि पंक्चुएशन जो होती है आपने आज तक पढ़ी हुई थी कि सवालिया जुमला है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, इंग्लिश में आपकी बेसिकली पंक्चुएशन आपके सिर्फ जुमले के स्ट्रक्चर से नहीं बल्कि उसके मीनिंग से भी अटैच्ड होती है। अगर किसी ने कोई जुमला ऐसे बोला जैसे कोई सवाल पूछ रहा हो तो वो भी क्वेश्चन मार्क ले सकता है। मतलब तो उसने ये नहीं कहा मिसिज लेविस, उसने कहा मिसिज लेविस, यानी कि आप मिसिज लेविस है, यस हाँ, तो गौर करें ये भी उसने सवालिया अंदाज में ही बोला हुआ है। नेक्स्ट आते हैं पोइम, उसने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, दैट्स रियली गुड। याद रखिएगा पोइम के साथ इन्वर्टेड कॉमास आते हैं लेकिन पोइट के नेम के साथ इन्वर्टेड कॉमास नहीं आते। नेक्स्ट पेपर पर मूव करते हैं, ये तो किसी का एंड है। ओके जी ये एक नेक्स्ट पेपर आ गया, यहाँ बच्चे ने वह जो ट्रांसलेशन लिखी है वो कुछ ज़्यादा ही डल है जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी रीडेबल नहीं है। मैं इसको कोशिश भी करता हूँ, चलो थोड़ा सा इसको जूम करके ट्राई करता हूँ कि शायद ये मुझसे रीड हो जाए।
मैं इसे बिल्कुल अंदर नहीं लेके जाऊंगी, उसने सोचा। वो अंदर चले गई और चले, खैर बच्चे ने उसको बुक से कंफर्म किया ही होगा। देन ये तस्वीर सारी हिली हुई है, तो बच्चे जब पिक बनाया करें तो वाजे बनाया करें। अच्छा, ये एक गलती नज़र आ गई, द प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज उखाड़ा। आपने कभी भी पंजाब कॉलेज उखाड़ा नहीं लिखना। उसकी रीज़न है कि आपको आइडेंटिटी जो है वो रिवील करने से रोका जाता है। तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न है बस, द प्रिंसिपल कॉमा आगे गवर्नमेंट कॉलेज लिखा जाता है। पूरा गवर्नमेंट कॉलेज लिख दें या GOVT. कॉलेज, गवर्नमेंट का जी और कॉलेज का सी कैपिटलाइज रहेंगे, इसके बाद भी कॉमा ही आएगा। और देन जो है वो A.B.C.T. या ABC.CT आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेपर पर आते हैं जी। ये क्रिटिकल एनालिसिस है किसी बच्चे का लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा एक नज़र मार लेते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस में याद रखिए कि बच्चे लिखा ये जाता है कि इस पोएम को किस टेक्निक पर, किस लिटरेरी डिवाइस के बेस पर जो है वो लिखा गया। तो द नाइट मेल, देखें ये दोनों फर्स्ट वर्ड अल्फाबेट कैपिटल में जी थे इस वर्ड के। तो हैज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमंस, इट कैरीज चेक्स, तो ज़ाहिर है उसकी पर्सोनिफिकेशन का जिक्र किया है बच्चे ने, जो कि बिल्कुल ठीक किया है। देन आते हैं, इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। फेवर्स डन ऑन टू अदर्स विल रिटर्न टू यू एज यूर्स, के जो दूसरों पर कर्म करते हैं वहाँ पर भी वापस होगा। यूर्स सिंसियरली लिखा है जी बच्चे ने, एस स्मॉल आना था, बिल्कुल ठीक कर दिया, दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये बच्चे की एप्लीकेशन है और पीछे आई थिंक एक्सप्लेनेशन वगैरह मौजूद है, इसको एक नज़र दे लेते हैं। डूइंग गुड विद अदर्स इज़ द बेस्ट थिंग डन ऑन दिस प्लेनेट, इज द बेस्ट डीड डन ऑन दिस प्लेनेट। क्रिटिकल एनालिसिस, तो एनालिसिस का एक कैपिटल आएगा बच्चों। नाइट मिल्क में एम का एम कैपिटल रखें। तो गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल ठीक है आपने किया, लेकिन डेट आपने एप्लीकेशन में ऊपर नहीं लिखनी, ये आपने गलत किया स्टूडेंट्स। तो इस डेट को अलग लीजिए, ये डेट नीचे लिखनी है जहाँ व्यूअर्स ओबीडियंटली लिखते हैं, ये वहाँ लिखनी होती है। तो ये एक नेक्स्ट पेपर और आ गया, इसको जूम करता हूँ। रीडिंग करने कोशिश करते हैं, हम काफ़ी डाले बच्चों, ज़रा वाजे करके भेजा करें, मैं बार बार कह रहा हूँ। इट आल्सो पासिस थ्रू, ये लफ्ज़ रीडेबल नहीं है। खैर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नॉर्मा सेड दैट दे वुड नॉट रियली किल एनी वन, दे आर जस्ट सेइंग दिस फॉर अ रिसर्च, आफ्टर रिसीविंग मनी वी विल। अच्छा ये देखिए, आपने पीछे यहाँ सेड किया था ना, तो यहाँ अब आप विल नहीं लगाएंगे बल्कि आप यहाँ वुड लगाएंगे। सेड के बाद आप, जाहिर है पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट है, हाँ अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा हो तो तब आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी आप ऐसा करने के मुजाज नहीं हैं। तो ये आपको वुड करना था। नॉर्मा फाउंड अ कार्टन बाय द फ्रंट डोर विद स्कॉच टेप, नो स्कॉच टेप डाना है, ये विद का वर्ड भी लेना था। यहाँ गलतियाँ हैं, बच्चे ने ठीक तो किया हुआ है, मिस्टेक्स हैं, तो बच्चे इनको प्रॉपर याद करें, इन मिस्टेक्स को आप ओवरकम करें। नेक्स्ट इस बच्चे के आते हैं जी। अच्छी प्रेजेंटेशन दी हुई है निस्बतन अभी तक जो बच्चों ने दी है। नॉर्मा परसुडेड हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर बिकॉज शी वांटेड टू इम्प्रूव हर लाइफ स्टाइल, शी वांटेड टू गेट अ न्यू हाउस, अ कॉटेज ऑन आईलैंड एंड अ कार। शी बिलीव दैट किलिंग समवन, सम अननोन पर्सन इन द वर्ल्ड टू इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल वॉज नॉट अ मर्डर। ठीक है, लेंथ भी अच्छी है, ये ज़रा लेंथ छोटी है, इसमें 4 लाइन्स नहीं, 5-6 लाइन्स कम से कम जाया करें। तो इस लेंथ के कभी भी आपको टू ओवर टू नहीं मिलेंगे। नॉर्मा फाउंड अ क्यूब शेप्ड बॉक्स ऑन द फ्रंट डोर ऑफ द अपार्टमेंट विच वॉज सील्ड बाय अ स्कॉच टेप एंड शी सा हैंड प्रिंटेड एड्रेस, वो ऑन इट वगैरह लिखना था, तो थोड़ा सा इशू हो गया। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स। ये बच्चे ने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है और मिस्टेक मुझे स्टेट वे यहाँ एक नज़र आ गई कि बच्चे जब आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, मुझे इसको जूम इन करना है, तो आप एक्सप्लेन लिखते हुए तो लिखते हो EXPLAIN, लेकिन एक्सप्लेनेशन लिखते वक्त ये आई ख़त्म हो जाता है ये वाला, तो EXPLANATION रह जाता है। बाकी इस बच्चे के देखते हैं, तो बच्चे आपने ये जरा प्लेन लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं इधर एक्सप्लेनेशन में कोटेशन भी लिखा करें लाजमी तौर पर। अब बाकी मैंने रीड किया है, निस्बतन ठीक है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, इस बच्चे की तरफ आते हैं। तो इस बच्चे ने जो है एप्लीकेशन लिखी हुई है, माई रिस्पेक्टेड सर, तो रिस्पेक्टेड का स्मॉल रहेगा। जब तीन आप सैल्यूटेशन में वर्ड्स बड़े लगाते हैं, तो तीनों में दरमियान वाला जो होता है उसका स्मॉल अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट होता है पहला, बाकी के कैपिटलाइज होते हैं। एफ एस लिखते वक्त एफ डॉट एस सी डॉट लिखना था, और बाकी निस्बतन आपका ठीक था जी। और नेक्स्ट आते हैं, ये बच्चे की ज़रा हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन का मसला है बच्चे। एक तो आप सबसे पहला काम आपके लिए ये,
आप ये बॉल पेन से लिखना बंद करें, पेन से लिखा करें और कोशिश करें अच्छा लिखने की। जब आप कोशिश करके लिखेंगे तो वक्त के साथ साथ आपके हैंड की ग्रिप ठीक हो जाएगी। तो इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी हैं, वो सर्कल और अंडरलाइन भी हैं, तो इन चीज़ों को ज़रा आपने फोकस करना है। मैं आपको बस एक व्यू दे रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। ये इस बच्चे की एक बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ हमें नज़र आ रहा है। तो ये डार्क नाइट कीप्स ह्यूज सीक्रेट्स, इसने कोटेशन लिखी है बाय बेली एलिश की। तो ये आप बेटर के ऊपर लिखेंगे, बेली एलिश हैज राइटली सेड, और ये अपने कॉन्टेक्स्ट में कोटेशन लिखी है। याद रखिएगा, कॉन्टेक्स्ट में आपने कोई कोटेशन नहीं लिखनी, कोटेशन हमेशा अपने एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में ऐड करनी होती है, कॉन्टेक्स्ट वाले पार्ट में बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी। और ये अपने जो इन्वर्टेड कॉमास लगाने थे इस कोटेशन के इर्द गिर्द वो लाजम लगाते हैं। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यहाँ कोटेशन बनती ही नहीं है, वो तो आपकी जो पोइम है पहले वाली द रेन उस पर बनती है। तो ये कोटेशन आपने जो है वो इम्प्रॉपर प्लेस की है। आते हैं जी इस बच्चे की तरफ। अच्छी प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है निस्बतन, मैं ऐसे बिल्कुल अंदर नहीं लेके जाऊंगी, उसने सोचा। वो अंदर चली गई, शाम का खाना शुरू कर दिया। ये खाना शुरू नहीं किया, ये खाना बनाने लगी है। आपने देखा है कि वो थोड़ी देर बाद अगले पैराग्राफ में देखें तो वो आपको नज़र आ रहा है कि वो अभी ब्रॉयलर के अंदर जो है वो पीस वगैरह रख रही है अभी। तो इट मीन्स टू से कि वो अभी खाना खा नहीं रही, बना रही है। तो ये शी स्टार्टेड डिनर का तर्जमा खाना खाना शुरू नहीं किया, खाना बनाना शुरू किया करें। और दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, बिल्कुल ठीक है डब्ल्यू चडन, ये इन्वर्टेड कॉमास आपने नहीं देने थे पोइम के पोइट के नेम के साथ। और नेक्स्ट आते हैं जी। जी तो इसको भी जूम इन करके एक बार देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो नथिंग इज बेटर देन दी विंड टू ईयर बच्चे, असल में आप लोग जब देखें आप कट वाला जब पेन बॉल पेन मार्कर यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा कोशिश किया करें कि रीडेबिलिटी ख़राब ना हो। जब आपकी रीडेबिलिटी ख़राब होती है तो एग्जामिनर जनरल वो बैठा था वो इतना वेट नहीं कर रहा कि आपका वो वेट करे, तो थोड़ा सा उसको वाज़े किया करें। और कोटेशन मैंने पहले भी कहा था कि जो कोट लिखने वाला उसका नाम ऊपर रखें। तो आई नीड योर हेल्प बडी, आई डोंट हैव मनी इनफ, ये इनफ मनी आना याद रखिएगा बच्चे, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। टू स्पेंड ऑन माई डिज़ायर्स डूड, ये काम नहीं करना, बडी डूड याद रखिएगा। ठीक है आप एक इनफॉर्मल लेटर टाइप का ही लिख रहे हैं, लेकिन आपको इस तरह के जो अलकाबात हैं जो टाइटल्स हैं वो यूज़ नहीं किए करने चाहिए। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ये आपको नज़र आ रही है एक स्टूडेंट की नज़र तरफ से की हुई ट्रांसलेशन। तो मैं इसे बिल्कुल अंदर नहीं लेकर जाऊँगी, उसने सोचा। वो अंदर गई और रात का खाना तैयार करने लगी, ऐसे इसने तर्जमा बिल्कुल ठीक किया, तैयार करने लगी। बाद भी वो सामने राहदारी में गई, दरवाज़ा खोला, पलंदा उठाया, उसे बुरचे खाने में ले आए, मेज़ पर रख दिया। तो थोड़ा सा इशू है ट्रांसलेशन में, तो इम्प्रूव करें, बेहतर याद करने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा डल लग रहा है मुझे, लेकिन एक बार फोकस करने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं, नहीं रीडेबिलिटी नहीं है। द पैकेज वॉज लाइंग बाई द फ्रंट डोर, क्यूब शेप्ड कार्टन सील्ड विद टेप, देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन जो पार्ट है इसने खूबसूरत बनाया है, लेकिन नीचे जो आपने कोटेशन लिखी है इस कोटेशन को लाजमी तौर पर इनवर्टेड कॉमास के अंदर ही लिखा करें। नेक्स्ट मूव करते हैं। इस बच्चे का जो है वो लेटर है स्ट्रेट फॉरवर्डली। आपको ये नज़र आ रहा है कि फ्रेंड का एफ जो है उसने कैपिटलाइज नहीं किया, ये आपको लाजमी तौर पर कैपिटलाइज करना था। डियर का डी कैपिटलाइज नहीं होगा, हाँ अगर वो लिखता है डियर फ्रेंड तो डियर का डी और फ्रेंड का एफ दोनों कैपिटल हो जाएंगे। और बाकी ऊपर लेटर का पैटर्न ठीक है, ये मैं के बाद जो उसने कॉमा वगैरह लगाने की कोशिश की है ये बिल्कुल गलत है, नहीं आना। नेक्स्ट आते हैं जी, एग्जामिनेशन हॉल सिटी एबीसी बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, सारा कुछ काम ठीक चल रहा है, दैट्स रियली गुड। इस बच्चे की कोटेशन वगैरह भी ठीक है। आगे मूव करते हैं और ये बच्चा निस्बतन ठीक लिख रहा है, यस। इसके को जूम करके देखते हैं कि इसने पंक्चुएशन को क्या किया है जी। मिस्टर मिसिस लुइस यस, तो क्वेश्चन मार्क आना था, दिस इज लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल, बाकी ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स। शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको रीड करने की कोशिश करते हैं, अगर विजिबल होते हैं हाँ ठीक है। द पोएट डब्ल्यू एच डेविस इज होपफुल टू हैव लवली साइट आफ्टर रेन बिकॉज ही इज ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एंड वॉन्ट्स टू सी हिज दिस वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस। ही थिंक्स दैट rain will wash everything of dust and make
मेक्स आना है जी एवरीथिंग लवली, तो ये एक मार्क था आपका। देखिए यहाँ आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक की, आपका एक मार्क डिडक्ट होना बन गया है। हाँ स्पेलिंग मिस्टेक एक दो भी करें तो तब जाके एक मार्क डिडक्ट होता है, हाफ से कई बार ओवरलुक हो कर दिया जाता है और कई बार हाफ डिडक्ट किया जाता है। इट पास फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ लैंडस्केप, इट क्लाइम्स अप स्मूथली ओवर स्मॉल हिल्स, इट मूव्स डाउन। ये थोड़ा सा आप अच्छा, इसकी हैंड राइटिंग काफ़ी इशू है तो थोड़ा मेहनत करें स्टूडेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमें जो है इसको भी जूम इन करके देखना चाहिए कि ये बच्चा क्या लिख रहा है। इनवर्टेड कॉमा जरा अच्छे तरीके के लगाएं। अ फ्रेंड मस्ट हैव द विजडम ऑफ सोलोमन, द पेशेंस ऑफ जॉब एंड करेज ऑफ डेविड। गुड, तो थोड़ा सा बच्चे अपनी हैंड राइटिंग को और इम्प्रूव करें। बाकी अपने यू एस एन सी ठीक लिख रहा है, एक्स वाई जी में जी के आगे फुल स्टॉप ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट आते हैं, एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें मिल रही है। इस बच्चे ने अच्छी लिखी हुई एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा हैंड राइटिंग को और इम्प्रूव करें। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, ये उसी बच्चे की ही नेक्स्ट अभी चल रही है, दैट्स वेरी गुड। ये एक और बच्चे की नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आ गई है स्टूडेंट्स, इसको भी थोड़ा सा जूम इन करते हैं। तो नाइट मेल में एम कैपिटल है, आपको आना था। देन मूव करते हैं आपको, इट हैज़ बीन सेड वेल डूइंग गुड टू अदर्स, ये बिल्कुल अच्छा लिखा है। आई हैव अ कैमरा फोन बट इट इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर अ रियल कैमरा, वेरी गुड। फेवर्स आना था, डोंट वांट टू बी रिटर्न टू यू एज यूर्स। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये भी एक बच्चे का बड़ा अच्छा लिखा हुआ जो थी लेटर था। नेक्स्ट आते हैं, इस बच्चे को हमें जूम करके देखना पड़ेगा, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इट वाज अ क्यूब शेप्ड कार्टन, देयर वाज अ पुश बटन यूनिट इनसाइड द पैकेज, इट वाज फिक्स्ड टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, ठीक है। नॉर्मा टोल्ड हर हस्बैंड दैट इट माइट बी अ फिजियोलॉजिकल रिसर्च, साइकोलॉजिकल वर्ड आना चाहिए था आई थिंक, कहीं ना कहीं गलत आपने शायद पढ़ लिया लोगों ने, क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चों ने काफ़ी गलत किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, यूर सिंसियरली लिखा नज़र आ रहा है आपको लेटर के एंड का, तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है इस बच्चे ने, बस हैंड राइटिंग को और इम्प्रूव करें बेटा। नेक्स्ट आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, 5 out of 5 इस बच्चे के हैं, दैट्स रियली गुड। द पोइट होप्स दैट आफ्टर द रेन द सन शाइन्स ब्राइट, एवरी डार्क क्लाउड राउंड ड्रॉप ऑफ वाटर विल बिगिन टू शाइन इन द ब्राइट सनशाइन, द सन विल एंड द इनजस्टिस ऑफ रेन, दैट्स रियली गुड, रियली गुड बच्चे। नेक्स्ट हम आते हैं, वन टच ऑफ नेचर मेक्स द होल वर्ल्ड कीन, रियली गुड। यू आर सिंसियरली लिखा है इस बच्चे ने, तो ओबीडियंटली सॉरी, तो बच्चे ये आपने दूसरी साइड पर लिखना है, मैं इसको दिखाता हूँ, ये इधर नहीं लिखना, आपने ये पेज के ऑलमोस्ट हाफ से शुरू करके पेज के राइट साइड पर लेके जाना है। आपने एप्लीकेशन में 5 out of 5 दिए हैं खुद को, याद रखिएगा 5 out of 5 इम्पॉसिबल सी बात है, वैसे 10 marks की आती है। बहुत अच्छा लिखा हो, बहुत अच्छा मटेरियल हो, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हो, तो तब कहीं 9 मिलते हैं, वरना आपकी हैंड राइटिंग भी थोड़ी सी नॉर्मल है तो आपको मैक्सिमम 4 out of 5 है, 5 out of 5 तो बिल्कुल भी जैसे समय लेके चांसेस नहीं है। नेक्स्ट आते हैं जी, आपका इसको ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं। द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कोटेशन है बड़ी अच्छी लिखी हुई है कोटेशन, थोड़ा सा अल्फाज बड़ा करें, ये जो आपके छोटे छोटे वर्ड्स हैं आपके मार्क्स डिडक्ट करवा सकते हैं। रीज़न कि बहुत सारे एग्जामिनर्स हैं अक्सर बल्कि बूढ़े ही होते हैं तो उनको नहीं नज़र आ रहा होता, और जब आपकी विजिबिलिटी नहीं अच्छी होती तो आपको मार्क्स भी अच्छे नहीं मिलते। और दूसरी चीज़ कि जो ज़रा बड़ा लिखा होता है, मैं बहुत बड़ा नहीं कह रहा, मुनासिब साइज़ का बड़ा, तो वो खूबसूरत भी लगता है और एग्जामिनर का उसको ज़्यादा अच्छे मार्क्स देने का दिल भी कर रहा हो। नेक्स्ट एक और बच्चे की हमारे पास जो है वो आ गई है जी, इसका हम भी जूम करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए, अच्छी प्रेजेंटेशन है। द पोइट डब्ल्यू एच डेविस, याद रखिएगा पोइम के नेम के साथ इनवर्टेड कॉमास नहीं आने, तो ये आपकी स्टूडेंट गलती है, ये आपके मार्क्स यहाँ डिडक्ट किए जा सकते हैं एक तरह से। तो होप्स इन द पोइम द रेन, हाँ पोइम के नेम के साथ इनवर्टेड कॉमास ठीक रखें, आफ्टर द रेन द सनशाइन विल कम आउट, बिल्कुल ठीक है। द ट्रेन नाइट मेल पासिस थ्रू द ग्रीन फील्ड्स, बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं, बच्चे ने अपने आपका आउटस्टैंडिंग दिया है, दैट्स रियली गुड, शायद किसी और से चेक आउट उसने दिया हो, लेकिन थोड़ी सी अपनी हैंड राइटिंग और ठीक करें, प्रेजेंटेशन का इशू है जी। नाइट मेल इज लाइवली प्रोएक्टिव एंड स्किल्ड कोच दैट ट्रेवल्स ऑल द नाइट, वन नो वन वेक्स अप फ्रॉम स्लम्बर एक्सेप्ट जग शेकिंग
कोच वैन, ये गलती होगी यहाँ ग्रामेटिकली, जग शेकिंग कोच वगैरह का यहाँ ग्रामेटिकली ऐसी क्लू नहीं बनता। नेक्स्ट आते हैं जी इस बच्चे पे, तो यहाँ नॉर्मा फाउंड अ क्यूब शेप्ड कार्टन सील्ड विद टेप बाय द फ्रंट डोर, इन साइड द बॉक्स वॉज अ पुश बटन यूनिट फास्टन विद वुडन बॉक्स। ये बिल्कुल बुक वाली लाइन्स लिख दी हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना चाहिए था, एक्सप्लेन ट्रांसलेशन, ये पंक्चुएशन ठीक लग रही है बच्चे की। नेक्स्ट जो है वो आते हैं जी इसके लेटर की तरफ, तो ये एक्सप्लेनेशन है असल में, ये नोटेड कॉमाज आपको लगाने चाहिए थे, पंक्चुएशन इस बच्चे की गलत है, यहाँ मिस लिविस के बाद क्वेश्चन मार्क, यस के बाद भी क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था। पंक्चुएशन हमेशा बुक से एक बार कंफर्म कर लिया करें, ज़्यादा अच्छा होता है। और खाना शुरू कर दिया, देखिए यहाँ लिखें खाना बनाना शुरू कर दिया, ज़्यादा बेटर है। आगे चलते हैं, ये बच्चे का काफ़ी डल है, रीड ही नहीं होगा, हमें नेक्स्ट मूव करना पड़ेगा थोड़ा सा। बच्चे इस बच्चे को एडवाइस है कि ज़रा वाजे लिखा करें, ये जो आपने यूज़ किया हुआ है बॉल पेन ये बिल्कुल यूज़ ना किया करें, पेन यूज़ किया करें ताकि रीडेबिलिटी बढ़े और अपनी हैंड राइटिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करें। नेक्स्ट आते हैं जी इस बच्चे को के पेपर को थोड़ा सा जूम करते हैं। अच्छा थोड़ा सा बच्चे अपने ना लाइन्स की आंसर की तादाद बढ़ाएं, इतनी कम लाइन से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं होता, आंसर की लेंथ थोड़ी सी बढ़ाएं। ये आंसर की लेंथ ठीक है, 5 to 6 लाइन्स तक जाना चाहिए। द रीजन ऑफ एक्सेप्ट, देखिए यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक आ गई बच्चे आपकी, तो द रीजन ऑफ एक्सेप्टिंग आना चाहिए था, एक्सेप्ट नहीं आना चाहिए था। इस बच्चे के लेटर पे आते हैं, बड़ा वाजे लग रहा है और ठीक लग रहा है, थोड़ा सा फिर भी इसको जूम इन कर लेते हैं। तो ठीक है जी, इस बच्चे का लिखा हुआ ये इन्वर्टेड कॉमास भी लगाए हुए हैं, थोड़ा सा कोटेशन मिस्टेक करके लफ्ज़ थोड़े से बड़े करें स्टूडेंट्स, आपके वर्ड का साइज़ काफ़ी स्मॉल है, इसको थोड़ा सा ठीक करें। ये थोड़ा सा तस्वीर हिल गई उस बच्चे की जिसने पेपर भेजा है, देर से रीडेबिलिटी नहीं है, थोड़ा सा अपनी अल्फाज का साइज़ बड़ा करें, मैं यही देख के कह सकता हूँ, और तो रीडिंग तो नहीं हो रही। नेक्स्ट आते हैं जी, योर्स ओबीडियंटली, ये एप्लीकेशन कैंड लिखा हुआ है, यहाँ गलती मौजूद है कि ये जो अपने डेटेड लिखना होता है, ये कोशिश करें कि एग्जैक्टली योर्स ओबीडियंटली के सामने ही लिखें, चलो एक्स वाई जी के सामने ले जाएं, लेकिन इन दोनों में से किसी एक के सामने रखें, ये ऊपर आपने हरगिज़ भी लेकर नहीं जाना। और बाकी आई कम बैक टू द कॉलेज आफ्टर अ वीक टूडे, आई रश टू द लाइब्रेरी, ठीक है। बाकी ये जो आगे योर्स ओबीडियंटली के बाद कॉमा भी देना है जी, और ये कॉमा लाजमी तौर पर आप लोगों ने जी अगर मार्कर से लिखा है योर्स ओबीडियंटली, और लिखना भी मार्कर से चाहिए तो मार्कर से ही दें। देन आपको यहाँ एक एक्सप्लेनेशन का एंड नज़र आ रहा है, लेटर इस बच्चे ने हेडिंग दे के छोड़ा हुआ है, तो इस इधर फोकस करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, तो द पोइम द रेन, द पोइट होप्स दैट देयर वुड कम अ टाइम व्हेन देयर वुड बी इक्वेलिटी एवरीवेयर। थोड़ा सा बच्चों की हैंडिंग की वजह से रीडिंग का इशू हो जाता है, नाइट मेल का नाइट कैन और मेल कैन बच्चों कैप्टन रखें थोड़ा सा। लो जी अगले पेपर की तरफ आए, रीडेबिलिटी मुझे नहीं फील हो रही कि इसकी बनेगी। बच्चों पेपर हमेशा सीधा रख के किया करें ताकि उसको रीड करना आसान हो। वर्क इस बच्चे ने भी गलती की हुई, एक्सप्लेनेशन के बाद द पोइट डिस्क्राइब, यह लिख रहा था इन दीज लाइन्स इन दिस स्टैंजा द पोइट डिस्क्राइब, ज्यादा अच्छा रहना था। तो ये बच्चे का अल्फाज का साइज देखें, अभी आप नए नए हैं, अभी आपके बहुत सारे इशूज हैं, जो कहते हैं अल्फाज का साइज बड़ा करें ताकि रीडेबिलिटी बढ़े, एग्जामिनर को एनुअल पेपर में भी ऐसा करना होता है ताकि ज़्यादा अच्छा लिखा जा सके। और द रेन एटमोसफेयर बारे में देख लेता हूँ, बाकी ठीक लिखा नजर आ रहा है जी, दैट्स गुड। बाकी तो यस बच्चे ने आंसर्स दिए हुए, इसके सारे इसने अपने टिक किए हुए करेक्ट, तो दैट्स रियली गुड। नेक्स्ट इसको जूम करते हैं, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में देखो ए आई आपने गलत लिखा है, इन दिस ब्यूटीफुल पोइम नहीं गलत है, इन दिस ब्यूटीफुल लाइन्स लिखे, नाइट मेल में नाइट कैन और मेल कैन के बटे। बाकी मैं एक नज़र मार लेता हूँ, बच्चे ने खुद भी गलतियाँ निकाली हुई हैं, तो ये जो मैं हाईलाइट करके आपको दे रहा हूँ चीज़ें, ये भी आपने करनी है। तो ये इसके आंसर्स हैं जो कि ठीक लग रहे हैं। नेक्स्ट इस बच्चे पे आते हैं जी, इसने ये ट्रांसलेशन जो है वो लिखे, मैं ये नहीं ले सकती, इसने सोचा ये गलत करके मैं इसे अंदर नहीं लेकर जाऊँगी, उसने सोचा, तो वो अंदर गई खाना खाना, मैं बाद में राहदारी में गई, दरवाज़ा खोल कर इसे पैकेट उठाया और किचन लेकर मेज़ पर पड़ा रहने दिया, मेज़ पर रख दिया, ज़्यादा बेटर है। बाकी इसने ठीक लिखा है, यस का वाई कैपिटल करें यहाँ ऊपर पंक्चुएशन में, शॉर्ट क्वेश्चन की बेटा अपनी थोड़ी सी लेंथ बढ़ाएं, एक आध लाइन और ऐड करें बस, बाकी आपका ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है, ज़रा काफ़ी प्लेन है, इसके अंदर लाजमी तौर पर कोटेशन ऐड करें,
मैं इसको एक नज़र दे लेता हूँ कि इसकी रीडिंग में कोई गलती तो नहीं है। देखिए एक्सप्लेनेशन, नाइट मेल इज अ ट्रेन, आपने लिखना था इन दिस स्टैंजा, इन दिस लाइंस द पोइट सेज वगैरह आपको ऐड करना चाहिए था, फिर ही आपको ये एक्सप्लेनेशन ऐड करनी चाहिए थी। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन की तरफ इस बच्चे की। तो द प्रिंसिपल ए बी सी, देखो आपने गवर्नमेंट कॉलेज बयान में छोड़ दिया जो कि गलत आपने किया, यहाँ आपके मार्क डिडक्ट होंगे। बाकी मैं एक नज़र दे लेता हूँ। थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं बच्चे आपकी यहाँ। शी वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, नी टू हॉस्पिटल जैसे है, आई हैव टू स्टे देयर टू टेक केयर, टेक केयर ऑफ हर लिखना चाहिए था। ये बच्चे ने एमसीक्यू लिखे हैं, ये काफ़ी वाजे नहीं था तो हमें इसको पास ऑन करना पड़ रहा है। आगे आते हैं जी। तो बच्चे ने ये ऑब्जेक्टिव किया हुआ है, उसके नीचे शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स दिए हुए हैं। तो बच्चे ज़रा वाजे करके लिखा करें, खूबसूरत बना के लिखा करें। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा। देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन एक ख़त्म हुआ है तो छोटी सी लाइन लगाएं, अगला शॉर्ट क्वेश्चन है उसका नंबर दें। जैसे नाइट मेल दूसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है तो बेशक दरमियान में नाइट मेल लिख दें, लेकिन क्वेश्चन का नंबर दें पिछले क्वेश्चन के साथ, उसको डिफरेंट करें। ओके स्टूडेंट्स, ये वो सारे पेपर्स थे जो आप लोगों ने मुझे सेंड किए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इंडिविजुअली भी क्वेश्चन सेंड किए थे, मैंने उन सबको उनके क्वेश्चन के आंसर दिए। आपकी टीम्स पर भी उन्होंने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन, जो बच्चों के पास मेरा मोबाइल नंबर था ऑलरेडी, क्योंकि बहुत सारे के बहन भाई ऑलरेडी पढ़ रहे थे, उनके पास नंबर थे तो उन्होंने भी सेंड किए थे, तो वो मुझे उन्होंने थ्रू व्हाट्सएप भी पेपर सेंड किए। तो मैंने जितने भी मेरे पास पेपर आए उनको मैंने अरेंज किया और आपको आंसर दिए। इंडिविजुअल्स भी बहुत सारे बच्चों ने जो क्वेश्चन किए थे वो आंसर दिए। आपको मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और मैं चाहूँगा तो वो वीडियो आप लोग लाजम देखें, पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग, जिसमें आपको मैंने अपनी सारी तकरीबन पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स बताने की कोशिश की है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।